हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आज हम बताएंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस विद मेमोरी, मेमोरी में उस मेमोरी कहाँ पर बनती है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे होती है और स्कोप क्या होता है और लाइफ टाइम क्या होता है जो भी हमारे स्टोरेज क्लासेस होती हैं, सभी के टाइप्स को हम आज डिस्कस करेंगे स्टोरेज क्लास में विद एग्जाम्पल के साथ। तो फर्स्ट हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है स्टोरेज क्लास हमारी कौन कौन सी होती है, ऑटो होती है, स्टैटिक होती है, एक्सटर्नल होती है, रजिस्टर होती है। फोर टाइप्स की हमारी स्टोरेज क्लास होती है सी प्रोग्रामिंग के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा मेमोरी कहाँ पर बनती है, जो ऑटो होता है हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास, इसकी मेमोरी रैम में बनती है और स्टैटिक की मेमोरी भी रैम में बनती है, एक्सटर्नल की मेमोरी भी रैम में बनती है, बट जो हमारा रजिस्टर होता है रजिस्टर की मेमोरी रजिस्टर में ही बनती है क्योंकि ये सीपीयू के सबसे पास होता है, यानी कि अधिक पास होता है जो हमारा रजिस्टर होता है, तो इसकी मेमोरी रजिस्टर में ही बनती है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू। जो हमारा ऑटो होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। अगर गार्बेज हम बताएं तो गार्बेज का मतलब होता है कोई भी इंटीजर नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, यानी कि आप कोई भी नंबर अगर आपको मिल रहा है प्रिंट में, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो, वो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, गार्बेज नंबर होते हैं या फिर उसे हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक जो होता है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है, जीरो यानी कि जीरो होती है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू। नेक्स्ट जो है वो क्या है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, इसकी भी जीरो होती है। और रजिस्टर जो है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू गार्बेज होती है। जो हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास होता है और रजिस्टर स्टोरेज क्लास होता है, इन दोनों की वैल्यू जो होती है डिफॉल्ट वैल्यू वो गार्बेज होती है, बट जो हमारा स्टैटिक और एक्सटर्नल होता है इन दोनों की डिफॉल्ट वैल्यू जीरो होती है। नेक्स्ट हमारा स्कोप क्या होता है, तो फर्स्ट जो है हमारा जो ऑटो स्टोरेज क्लास है, स्कोप इसका क्या होता है, विद इन ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक के अंदर तक ही होता है, जहां तक ब्लॉक रहेगा वहां तक इसका क्या रहेगा, स्कोप रहेगा। इसको जब हम प्रोग्राम बनाएंगे तब वहां पर आपको और डिटेल में समझाएंगे कि ब्लॉक हम किसको बोल रहे हैं और कहां तक इसका जो है स्कोप कहां पर फिनिश हो रहा है और कहां तक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, स्टैटिक। स्टैटिक का जो स्कोप होता है वो भी विद इन ब्लॉक ही होता है। और नेक्स्ट जो है हमारा एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल का स्कोप क्या होता है, एनीवेयर होता है। और जो हमारा रजिस्टर है, रजिस्टर का भी स्कोप क्या होता है, विद इन ब्लॉक होता है। अगर ऑटो कहें तो जिस प्रकार से हमारा लोकल वेरिएबल वर्क करता है, सेम वैसे हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास वर्क करता है। इसलिए लोकल वेरिएबल जब हम बनाते हैं तो उसको अगर हमने किसी भी फंक्शन यानी किसी भी ब्लॉक के अंदर अगर उस वेरिएबल को बना रखा है तो उस ब्लॉक के अंदर तक ही वो क्या रहता है, एक्सेसिबल रहता है। उसके बाहर अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरर मिलता है। तो इसीलिए इसको बोला गया है विद इन ब्लॉक तक रहता है। और स्टैटिक मतलब स्टैटिक ही रहता है, विद इन ब्लॉक तक इसका भी स्कोप रहता है। स्टैटिक जहां पर भी आप बनाते हैं ये दोनों लगभग सेम वर्क करते हैं, लेकिन इसका कुछ डिफरेंस जो होता है वो कहां पर होता है, मेमोरी में होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या था, एक्सटर्नल था। एक्सटर्नल का मतलब था एनीवेयर। एनीवेयर मतलब इसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। आप कहीं पर भी एक्सटर्नल यानी कि आप एक्सटर्नल वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं, उसको अगर आप कहीं पर भी एक्सेस करना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं, तब वो हर जगह क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल होता है ये ग्लोबल होता है। जिस प्रकार से हमारा ग्लोबल वेरिएबल वर्क करता है, यानी कि अगर आपने किसी वेरिएबल को ग्लोबल बना दिया है तो वो पूरे प्रोग्राम में क्या रहता है, उसको हम यूज कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा एक्सटर्नल होता है। नेक्स्ट जो हमारा था रजिस्टर था। रजिस्टर भी सेम ऐसे ही वर्क करता है, सिर्फ इसमें मेमोरी में डिफरेंस होता है, बाकी वर्क सेम होता है, विद इन ब्लॉक, यानी कि अगर आपने इस ब्लॉक के अंदर बना रखा है तो यहीं तक इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब देखते हैं जो हमारी स्टोरेज क्लासेस होती है इसका लाइफ टाइम क्या होता है, यानी कि कब तक ये एक्टिव रहती हैं। तो फर्स्ट जो हमारा है ऑटो, ऑटो का लाइफ टाइम क्या होता है, एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि जब तक आपका ब्लॉक में क्या नहीं होता, एंड नहीं होता, तब तक क्या रहता है, इसका लाइफ टाइम रहता है, यानी तब तक ये क्या रहता है, एक्टिव रहता है, तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एंड ब्लॉक को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं, यानी कि ब्लॉक जैसे आपने ये बना रखा है, कोई भी आपने इफ एल्स या फिर कोई भी ब्लॉक का यूज किया है, आपने उस ब्लॉक को डिक्लेयर कर रखा है, इस ब्लॉक ये ब्लॉक जब तक एंड नहीं होता तब तक आप इसको यूज कर सकते हैं, जो भी इसके अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ऑटो। जैसे ही आप इसके बाहर इसको एक्सेस करना चाहेंगे, वैसे ही आपको क्या मिलेगा, एरर मिलेगा, क्योंकि जो इसका लाइफ टाइम होता है ऑटो वेरिएबल का वो कहाँ तक होता है, एंड ऑफ ब्लॉक तक होता है, यानी कि ऑटो स्टैटिक क्लास का।
स्टोरेज क्लास का। नेक्स्ट जो हमारा वो है स्टैटिक। स्टैटिक का कहाँ तक होता है? टिल एंड ऑफ प्रोग्राम, यानी कि जब तक आपका प्रोग्राम क्या नहीं होता है, फिनिश नहीं होता है, वहां तक क्या रहता है, ये एक्टिव रहता है। जो हमारा क्या होता है स्टैटिक, इसका लाइफ टाइम कहाँ तक रहता है? टिल एंड ऑफ द प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम के अंत तक रहता है। और जो हमारा थर्ड है वो क्या है? एक्सटर्न। एक्सटर्न का भी जो होता है क्या कहते हैं लाइफ टाइम, वो कहाँ तक होता है? टिल एंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट जो हमारा वो है रजिस्टर। रजिस्टर का लाइफ टाइम कहाँ तक रहता है? एंड ऑफ ब्लॉक, यानी कि जब तक आपका ब्लॉक एंड नहीं हो जाता तब तक क्या रहता है? रजिस्टर जो आपका स्टोरेज क्लास होता है वो एक्टिव रहता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था स्टोरेज क्लास पे। स्टोरेज क्लास कितने टाइप्स की होती है और इसकी मेमोरी कहाँ पर बनती है और डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्कोप क्या होता है, लाइफ टाइम क्या होता है, यानी कि इन सारी चीजों को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अब एक एक करके हम क्या बताएंगे आपको, जो हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास है इसको हम देखेंगे कि इसका स्कोप हम कैसे चेक करते हैं कि कितना होता है, और गार्बेज वैल्यू भी हम आपको दिखाएंगे, और इसका लाइफ टाइम कहाँ तक रहता है, यानी कि सभी के सेपरेट वीडियो में एक एक करके हम क्या करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे और उस एग्जाम्पल की हेल्प से हम आपको समझाएंगे कि जो हमारा ऑटो स्टोरेज क्लास है, स्टैटिक है, एक्सटर्न है, रजिस्टर है, ये सारी चीजें किस प्रकार से वर्क करती है हमारे प्रोग्राम में। तो आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।